समाज में जो औरतें कचरा चुनती है वो शहर का बहुत महत्वपूर्ण काम करती है, लेकिन उनके काम को उस तरह ध्यान नहीं दिया जाता और एक तुच्छतापूर्ण दृष्टि से देखता है, क्योंकि उनको लगता है कि ये बहुत गंदी औरतें हैं। एक्चुअली जो गंदगी है वो हम निर्माण करते हैं, वो क्लीन करने का काम ये लोग करते हैं, सफाई का काम करते हैं। दो बातें सबसे महत्वपूर्ण है जो उनको नहीं मिलती है, वो है ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज। यानी बहुत ज़्यादा माल होगा तो वही वो अच्छे भाव से बेचा जाएगा, तो इनके पास तो माल रखने के लिए जगह ही नहीं है। और दूसरी बात है, किसी भी ट्रांसपोर्ट वाला कोई इनको लेता ही नहीं है, ना रिक्शा ना टैक्सी ना ट्रेन, कहीं पर ही भी अपना माल लेके नहीं जा सकती है, तो इनको ये सर पे उठा के ही लेके जाना पड़ता है। तो इसलिए सब गंदे नज़र से भी देखते हैं उनको कि बास आती है ये वो। हम लोग बहुत शार्प चीज़ें जो रहती है, छुरी रहती है या ब्लेड रहती है या कांच रहती है, इस तरह फेंकते हैं। और मेडिकल वेस्ट भी जाता है, और उससे क्या होता है कि इनके सेहत को बहुत खतरा होता है। हम सोचते भी नहीं है कि कोई ह्यूमन बीइंग, इसको मानवतापूर्ण दृष्टि इसमें होनी चाहिए। मैंने ले लिया, मैंने फेंक दिया, यूज़ एंड थ्रो एटीट्यूड जो हो गई है इसमें बहुत गैर जिम्मेदारी। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि ये रिड्यूस रिसाइकल रीयूज है, उसमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी शब्द ऐड किया जाए, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी निसर्ग की तरफ क्या है वो समझते नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि हमको कचरा अलग अलग करना चाहिए, और गीले कचरे का खाद करना चाहिए, और सूखा कचरा रिसाइकलिंग के लिए अलग करके जो वो करते हैं, जिनकी उपजीविका है ये, उनके हाथ में देना चाहिए। इसका सोल्यूशन है।